मोस्टली काम रिपोर्ट का पीवट टेबल से होता है। देन हम स्टार्ट करते हैं, आज हमारा टॉपिक है पीवट टेबल। सबसे पहले बात आती है, अगर आपसे ऑफिस में वर्क करते हो और आपसे कोई पूछता है या इंटरव्यू में जाते हो कि पीवट टेबल क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे उसको? जैसे मैं एक डाटा ले लेता हूँ, मेरे पास ये फाइल है और इसमें एक डाटा पड़ा है, ये डाटा, अब मुझे डाटा को पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करना है। देन मैंने क्या करा, मैंने इस एरिया को कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी करा, देन एक कंट्रोल एन करके एक नई सीट इंसर्ट करी और इस पर कंट्रोल वी कर दिया। वी करने से क्या हो गया, मेरे पास एक डाटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, पीवट लगानी। सबसे पहले पीवट की डेफिनेशन समझ लेते हैं, पीवट टेबल होती क्या है। सबसे पहले आपसे कोई पूछता है डाटा क्या होता है, तो आप डाटा की क्या डेफिनेशन दोगे? अगर आप क्या बोल, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया डाटा की डेफिनेशन है क्या, तो आप क्या बताओगे? हम बोलेंगे सर क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा हमें इंफॉर्मेशन देता है कई चीज़ों की। तो क्या देता है हमें, क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है, क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर पूछता है समरी क्या होती है, या आपसे कोई पूछता है रिपोर्ट क्या होती है, तो आप बोलोगे समरी ऑफ द डाटा होती है। रिपोर्ट क्या होती है, समरी ऑफ डाटा। अब प्रॉब्लम आती है, पीवट्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं? पीवट का यूज़ मोस्टली हम रिपोर्ट्स बनाने के लिए करते हैं। पीवट टेबल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है कि हम इस डाटा से क्या कर सकते हैं। तो पीवट टेबल की हम डेफिनेशन देते हैं कि वी कैन यूज़ द पीवट टेबल फॉर एनालाइज द डाटा, समराइज डाटा और रिप्रेजेंट ऑफ डाटा। हम एनालाइज से डाटा को समराइज करेंगे पीवट टेबल से, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसका विवरण करेंगे। सबसे पहले आती है पीवट टेबल लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी। सबसे पहले आपकी हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हेडिंग ब्लैंक होगी तो पीवट टेबल आपका लगेगा ही नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो मेरे पास ये डाटा है, अगर मैं इसमें एक रो डिलीट कर दूँ और देन एक डिलीट हो गया, देन इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये आ रही है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मेट लगाओ जिससे अभी जब भी मैं कॉलम हटाऊंगा तो आ जाएगा। लेकिन याद रखना कि अगर आपके ऑफिस में कॉलम हेडिंग ब्लैंक है, क्या है, कॉलम हेडिंग ब्लैंक है, तो ये पीवट टेबल आपका लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पीवट टेबल हेडिंग से चलता है। दूसरी चीज़ कि आपकी डाटा के अंदर कोई ब्लैंक रो नहीं होगी। क्यों? अगर ब्लैंक रो होती है तो ये कंट्रोल ए के मेथड पर चलता है। किस पर चलता है, कंट्रोल ए के मेथड पर। जितना आपका डाटा होगा उतने को ही सिलेक्ट करेगा ये ऐसे। तो पीवट टेबल आपका कितने पे लगेगा, खाली इतने एरिया पे ही आपका पीवट टेबल लगेगा। ठीक है, समझ आ गया इतना। पीवट टेबल सबसे पहली बात क्या है, आपकी हेडिंग्स ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके डाटा कोई ब्लैंक नहीं। अगर आपका डाटा ब्लैंक होता है तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करके ही वर्क करोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया किसी को? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? सबसे पहली चीज़, आपका डाटा ब्लैंक नहीं होना चाहिए बीच में, और हेडिंग नहीं होनी, हेडिंग्स भी कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, आपके बीच में कोई रो भी ब्लैंक नहीं। अगर कोई रो में एक गैप है या आपने कहीं वर्ड लिख रखा है तो भी चल जाएगा, लेकिन पूरी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन हम इंसर्ट करते हैं पीवट। इसमें देखो मैंने इंसर्ट के अंदर, लेकिन अगर आपके पास ऑफिस में 2013 वर्जन है या 2016 वर्जन है तो हमारे पास एक रिकमेंडेड पीवट टेबल आया। पीवट टेबल क्या करता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर लगने वाले जितने भी पीवट हैं वो आपको डेफिनेशन के थ्रू बताएगा कि आप इस तरह के पीवट लगा सकते हो या इस तरह के पीवट टेबल लगा सकते हो। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, हमने इसको यहाँ से क्लिक करा, देन ओके कर दिया। ओके करेंगे तो एक नई शीट इंसर्ट होगी जिसके अंदर पीवट टेबल आपका लग जाएगा। कभी कभी अगर आप 2013 या 2016 वर्जन यूज़ करें तो प्रॉब्लम इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर जो यहाँ पर फील्ड आनी चाहिए वो फील्ड नहीं आती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीवट टेबल दोबारा ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो दिक्कत आ रही है इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाके एक और नया पीवट टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा, देन क्लिक देन ओके, तो आपका पीवट टेबल आ गया। इसमें भी प्रॉब्लम आई तो शीट को दोबारा काट के दोबारा इंसर्ट कर दो। देन मैं इस पर लगा देता हूँ पीवट टेबल और इस पर यहाँ से शीट को डिलीट करता हूँ, देन इंसर्ट के अंदर पीवट टेबल, देन ओके, ये आपका पीवट टेबल लग गया। आगे पीवट टेबल, देन देखो जैसे आपने पीवट टेबल लगाया तो यहाँ पर कुछ
एक पिवट टेबल फील्ड्स आ गए जिसमें फुल नेम, कॉलम वन, सैलरी, बोनस, ओवरटाइम, डिपार्टमेंट, सिक डेज और आपकी परफॉर्मेंस स्कोर आ गए। किसी ने कहा मुझे पता करना है मेरे टोटल डिपार्टमेंट कितने, तो आपको डिपार्टमेंट को उठा के आप यहाँ रखोगे तो आपको ये टोटल बता देगा कि आपके डिपार्टमेंट इतने हैं। आप इसको रो में रखा, आप इसको कॉलम में रखोगे तो आपका कॉलम वाइज आ जाएगा। कॉलम में हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमारा डाटा लार्ज होगा तो बहुत आगे तक जाएगा और फिर हमें देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होगी फिर दिखने में ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम कॉलम में ना रखें, हम रो में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कॉलम में रखने का एक रूल भी है कि अगर डाटा कम है तब कॉलम में रखा जाता है, अगर डाटा लार्ज है तो हम कॉलम में नहीं रखते। कोई प्रॉब्लम इसमें से आप लोगों को? ये तो मेरा डाटा आ गया। किसी ने कहा कि मुझे पता करना है किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? जब मैं नाम को उठा के अगर वैल्यू में जैसे ही रखूँगा तो यहाँ पर काउंट्स आ जाएंगे। अकाउंटिंग में 10 लोग हैं, ठीक है, टोटल मिला के कितने लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पर चेंज करना तो आप यहाँ पर F2 करो, इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, रो लेवल आ रहा है, देन आप इसको डिपार्टमेंट कर दो, ठीक है, यहाँ पर कर सकते हो आप F2 करो, ठीक है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, बट इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये डाटा से उठ के आया है, एक चीज़ याद रखें। आगे कोई प्रॉब्लम इसमें से किसी को समझ में आ गया? आप इसको रो होगा तो रो वाइज हो जाएगा, आप इसको रखोगे कॉलम वाइज तो आपका कॉलम वाइज हो। अब मुझे ये पता करना है कि मेरा इसमें सिटीज़ तो है ही नहीं, इसमें एक सिटी नहीं है। चलो अगर कोई कहता है कि मुझे इसमें पता करना है कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? आप नाम को उठाओ और इसके अंदर डाल दो, यहाँ पर नाम को यहाँ पर डालना पड़ेगा, या तो कॉलम पे डालो या वैल्यू पे डालो, तो ये आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्कर कहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है कि देखो कितना सारा, आप इसलिए बताते हैं कि कॉलम में रखते नहीं है, कितना डाटा है मेरे पास, बहुत डाटा है, वो देखने में दिक्कत होगी, तो हम इस डाटा को क्या करते हैं, इस डाटा को कॉलम की जगह हम रो में रख देते हैं। रो में रखने से क्या बेनिफिट होता है कि डाटा इसके नीचे आ जाता है। जैसे आप देखो ये हेड बन गया, हेड के नीचे जो एम्प्लॉय काम करते हैं ये आ गया, एक रिपोर्ट तैयार हो गई आपकी। देन आप इस पे आके एक पिवट टेबल या एक चार्ट इंसर्ट कर दीजिए, जो आपको चार्ट समझ में आता है, एक बार चार्ट ले लेते हैं, बार नहीं पाई चार्ट ले लेते हैं, देन अप्लाई, तो ये आपका चार्ट लग के आ गया। जैसे आपका डाटा चेंज होगा आपका डाटा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी देखो एक प्रॉब्लम है, अब आती है पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग की बात। अगर ये आप देखोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पूरे एरिया को कहीं जाके कॉपी करता हूँ, क्या करता हूँ, कहीं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने की जगह मैं कॉपी देन एक नई सीट इंसर्ट करी और इंसर्ट में जाके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल के अंदर हमारे पास आता है पेस्ट एज अ वैल्यू। वैल्यू क्या करता है, सारी फॉर्मेटिंग को इग्नोर कर देता है और साथ में फार्मूला भी रिमूव करता है। तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी, आप जज कर सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, आपको जज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या तो आपकी देखो दिक्कत होगी ये अलग ये इस डिपार्टमेंट का, लेकिन हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है, तो ये दिक्कत होगी, ऐसा करने में दिक्कत आएगी। तो हमारे पास एक तरीका होता है, जब हम पिवट टेबल लगाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एक डिज़ाइन का ऑप्शन आता है। डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पर आता है लेआउट फॉर्मेट पर जाओ, देन अलग अलग फॉर्मेट शो आउटलाइन फॉर्म, आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, हर कॉलम में इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो गया इंक्रीज। अब मुझे क्या करना है, इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो टैबुलर फॉर्म में हो जाएगा, हर रो खत्म होने के बाद एक टोटल आएगा, ये भी यूनिक है। आप चाहते हो कि टोटल रखना नहीं है तो देना आप इस पर राइट क्लिक करो, आपके पास आएगा सब टोटल, आप सब टोटल हटा दो तो आपका गायब हो जाएगा। आप चाहते हो जैसे मेरा यहाँ पर डाटा इसके बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए, तो आप ब्लैंक्स रो में आओ, इंसर्ट है ब्लैंक रो, तो आपकी एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। आप चाहते हो कि मुझे एक ब्लैंक रो रिमूव करनी है, देन आप यहाँ पर आओ रिमूव कर दो, आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? देन नेक्स्ट, आप कोई कहता है मुझे यहाँ पर ये रिपीट करना है कि अकाउंटिंग के हैं, तो आप यहाँ पर रिपीट ऑल करोगे, सबके नीचे ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएंगे, ये हमारे अकाउंटिंग ये, ठीक है। किसी ने कहा मुझे रिपीट नहीं करने, तो यहाँ पर आके क्या करते हैं हम लोग, डू नॉट रिपीट। कोई कहता है मुझे टोटल चाहिए, तो यहाँ पर टोटल ला देंगे। कोई कहता है ग्रैंड सब टोटल चाहिए, जो अभी लाए थे हमें, शो सब टोटल बटन, तो यहाँ पर बटन आएंगे, आ गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को? लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्या करना है, इसको बीच में मर्ज करना है। क्या करना है दीपक? इसको मर्ज करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करें,
देन ये मर्ज हो जाए, क्या हो जाए, मर्ज हो जाए कि जो अकाउंटिंग है बीच में आ जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, अगर हम होम में जाके ये वाला मर्ज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या, ये मर्ज ले गए, पिवट टेबल में इस मर्ज का काम ही नहीं होता। तो आप राइट क्लिक करोगे, आपके से कहेगा पिवट टेबल ऑप्शन, देन आप यहाँ पर देखो मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेबल पे आप क्लिक करोगे देन ओके, तो आपका डाटा किस में हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, आप सब टोटल चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इस पर राइट क्लिक करो, सब टोटल से आप इस पर से हटा दो, हट गया। अब इसकी एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर दो, देन यहाँ पर आके जो आपकी फॉर्मेटिंग समझ आती है उस फॉर्मेटिंग को लेके यहाँ से कलर कर दो, तो आपकी एक डायनेमिक रिपोर्ट बन जाएगी। आगे इस हाइट काउंट को उठा के आप यहाँ पर उठा के रखो, सैलरी को यहाँ रख दो, अब इस पर एक चार्ट लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर सबके आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, आप इस पर क्लिक करोगे तो बड़ा वो बंद हो गया, इस पर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। आप चाहते हो कि एक साथ बंद हो एक साथ ओपन हो, तो आप क्या करो, आप एनालाइज के अंदर आओ, आपके यहाँ पर आता है प्लस माइनस, ठीक है, आ गया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, किसी को डिजाइन करना आ गया, फॉर्मेटिंग समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई समझ में इतना, अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार दोबारा रिवीजन करो, पिवट टेबल दोबारा करो, मैं यहाँ से एक डाटा ओपन करता हूँ, यूएफ फाइल के ओपन करा, देन इसको शॉर्ट करा सही से, देन कंट्रोल कॉपी एंड कंट्रोल एन एंड कंट्रोल वी, इससे क्या हुआ एक नई सीट इंसर्ट हुई, इस पर हमारा डाटा पेस्ट हो गया। अब मुझे इस पर पिवट टेबल लगाना है, तो मैं इंसर्ट के अंदर गया, सबसे पहले पिवट टेबल की डेफिनेशन क्या देंगे, सर वी कैन यूज पिवट टेबल एनालाइज डाटा समराइज डाटा और रिप्रेजेंट ऑफ डाटा, देन हम इंसर्ट के अंदर आएंगे, देन यहाँ से पिवट टेबल को क्लिक करेंगे, देन ओके। सबसे पहले अगर आपको पिवट टेबल लगाना नहीं आता तो आपके पास रिकमेंडेड पिवट टेबल आते हैं, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके कई तरह के पिवट टेबल के फॉर्मेट्स होंगे जिससे आपको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अपनी इच्छा के अनुसार पिवट टेबल लगाना चाहते तो आप पिवट टेबल में आइए, देन यहाँ से आप ओके करोगे तो आपका पिवट टेबल एक नई सीट इंसर्ट होगी और पिवट टेबल लग के आ जाएगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पिवट टेबल ले नहीं रहा 2016 वर्जन में, दोबारा नई शीट बनानी पड़ेगी, दिक्कत यही हो रही है पिवट टेबल ले नहीं रहा। हाँ डाटा वो बैक में अपने बैक एंड में डाटा रख लेता, देन मैं यहाँ से उसी फाइल को ओपन करता हूँ, देन इसका ही डाटा लेता हूँ, देन कंट्रोल सी, देन यहाँ पर कंट्रोल एन, देन यहाँ से फिल्टर हटाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल, देन इंसर्ट के अंदर गया। जब अगर डाटा आपका ब्लैंक नहीं होगा तो पिवट टेबल ऑटोमेटिक आपका पूरा सिलेक्शन कर लेगा, आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, देन अप्लाई, आपका डाटा आ गया। अब मुझे पता करना है कि मेरे किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप डिपार्टमेंट को यहाँ रखोगे, देन नेम को आप यहाँ रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा मेरे इस डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं विद इन मिनट में, आ गया आपका डाटा। किसी ने कहा कि मुझे पता करना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग क्या क्या सैलरी ले रहे हैं, तो आप डिपार्टमेंट यहाँ से हटाओ और सैलरी को यहाँ पर आके नीचे रख दो वैल्यू, तो आपको यहाँ पर चला जाएगा अकाउंटिंग में इतनी सैलरी दे रहा हूँ मैं, इन्विटेशन में इतनी दे रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट में इतनी, फाइनेंस में इतनी, ह्यूमन रिसोर्स में इतनी, आईटी में इतनी, मार्केटिंग में इतनी और सेल में इतनी, टोटल मिला के मैं 662,90,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसके अंदर बन गई रिपोर्ट, आप इसका एक चार्ट बना लो तो आपकी डायनेमिक्स रिपोर्ट्स हो जाएगी, अगर पिवट टेबल में कोई इंक्रीमेंट होता है तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, मैं एक पाई चार्ट ले लेता हूँ, देन इस पर अप्लाई करता हूँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके एक यूनिक सा चार्ट बना देता हूँ, इस पर राइट क्लिक करा, ऐड लेबल, देन इस पर क्लिक करा, ऐड, देन ठीक है, ये देखो तो चेंज हो गया। किसी अगर गलती से मैंने डाटा में चेंज हो गया, मैंने बोल दिया इसकी सैलरी 30,000 रुपये ना होकर 152,000 रुपये इसकी सैलरी 52 हो गई, देन आप पिवट टेबल में आएँ, बस एक बार राइट क्लिक करें
और रिफ्रेश कर दें। जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपका डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और आपका पीवट टेबल भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। हो गया देखो, तो इसलिए पीवट टेबल क्या करता है, अपने बैकएंड में एक डाटा लेके रखता है कि जब आप उसको रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं रिफ्रेश नहीं करना चाहता, मेरा डाटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो, तो आप एनालाइज के अंदर आओगे। एनालाइज के अंदर आपके पास पीवट टेबल ऑप्शन के अंदर आता है, राइट क्लिक करो, पीवट टेबल ऑप्शन के अंदर सबसे एंड में आता है यहाँ पर डाटा के अंदर रिफ्रेश विद व्हेन ओपनिंग द फाइल। जैसे आप फाइल को ओपन करोगे डाटा अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं, आप जैसे एक नई फाइल को इंसर्ट ओपन करोगे इस फाइल को दोबारा, ये अपने आप डाटा को रिफ्रेश कर लेगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? अब मुझे कहा कि मुझे पता करना है किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग वर्क कर रहे हैं, तो क्या करूँगा, मैं नेम को उठाऊँगा और डिपार्टमेंट के नीचे ही रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, मेरा डाटा रो वाइज आएगा। मैं डाटा को कॉलम में रख दूंगा तो मेरा डाटा किस वाइज आ जाएगा, कॉलम वाइज आएगा। लेकिन कॉलम वाइज हम कब करते हैं, जब हमारे पास डाटा स्मॉल होता है तब हम कॉलम करते हैं, देन हम नाम को उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, तो हमारा डाटा कुछ इस तरह से आएगा। आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? चले आगे। अब मुझे ये क्या करना है, अब मुझे आ गया, अब मुझे चाहता हूँ कि सबके नीचे प्लस माइनस सिंबल आ रहा है। प्लस माइनस कहाँ से यूज़ होते हैं, आप यहाँ पर आओगे, इस पर क्लिक करो, ठीक है, ये देखो आगे, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल आ रहा है, देन आप इस पर टोटल हटाना है तो राइट क्लिक करो, यहाँ से पीवट टेबल ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आता है सब टोटल, इस पर से हटा दो तो आपका सब टोटल भी हट जाएगा। देन आपको अलग फॉर्मेटिंग करनी है, आप डिजाइन के अंदर आओ, पहले आता है लेआउट्स, लेआउट्स में सबसे पहले आता है कंप्यूटर तो बाय डिफॉल्ट रहता है आउटलाइन फॉर्म करोगे तो डाटा आपके हर कॉलम में इंक्रीज हो जाएगा। देन टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में सबसे नीचे टोटल भी आ जाता है, मैंने टोटल लाइट क्लिक करके हटा रखा है, आप इस पर टिक मार दो तो आपका टोटल भी साथ में आने लगेगा, ठीक है, शायद टोटल नहीं ले रहा। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ इस सेल को मर्ज करना, तो आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज करोगे तो होगा नहीं, अगर आप होम में जाते हो और मर्ज करते हो तो नहीं होगा। तो आपके पास पीवट टेबल पे आओगे या राइट क्लिक करोगे या एनालाइज के अंदर जाके आपके पास पीवट टेबल ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपके पास आएगा क्लासिक पीवट टेबल ऑप्शन, देन आएगा मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेवल पे, आप क्लिक करो देन ओके करो तो आपके बीच में मर्ज हो जाएगा। देन इसके बाद आप फॉर्मेटिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। हर एक फॉर्मेटिंग का नंबर है, इस नंबर को आप वीवी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, कि पीवट स्टाइल लाइट 12, ठीक है 11, तो ये पीवट टेबल के कुछ स्टाइल हैं, आप लोग इसको देख लें तो आपको समझ आते हैं, सोवर ए से करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया पीवट टेबल लगाना, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? आ गया दीपक। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं, पीवट टेबल की कैलकुलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने एक नया पीवट टेबल इंसर्ट करा, मैं यहाँ पर गया, इंसर्ट के अंदर आया, पीवट टेबल देन अप्लाई, पीवट टेबल हमारा इंसर्ट हो गया। अब सर ने कहा कि मुझे बताओ कि किस डिपार्टमेंट में मैं सैलरी कितनी दे रहा हूँ, बोनस कितना दे रहा हूँ और ओवर टाइम कितना दे रहा हूँ। मैंने डिपार्टमेंट को उठा के यहाँ रखा, सैलरी कितनी दे रहा हूँ मैंने उठा के यहाँ रखा, बोनस कितना दे रहा हूँ मैंने उठा के यहाँ रखा, और मेरा ओवर टाइम कितना है, तो तीनों आ गए। अब मुझे पता करना है मैंने इसका सम कितना करा, मैंने कितने रुपए दे रहा हूँ टोटल। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैं क्या करूँगा, इक्वल लगाऊंगा, मैं बोल दूंगा B4 प्लस C4 प्लस D4, तो सम आ जाएगा, सम आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा कल को पीवट टेबल इंक्रीज हो गया गलती से भी, तो मैंने जो इतनी मेहनत करी वो आपकी हट जाएगी। सबसे पहले अलर्ट देगा, देन फिर वो पीवट टेबल हटा देगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा तरीका हो कि यहीं पर कैलकुलेशन होके आए, मेरे डाटा में भी चेंजेस ना हो, मेरी पीवट टेबल के अंदर एक नई फील्ड बन गया जाए किसकी, टोटल सैलरी की। तो हमारे पास एक एनालाइज के अंदर आता है कैलकुलेटेड आइटम, आप यहाँ पर आओगे फील्ड, देन यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ क्या हेडिंग रखनी है उसकी, मैंने कहा टोटल के नाम से हेडिंग आ जाए, किसके नाम से हेडिंग आ जाए आपकी, टोटल के नाम से हेडिंग आ जाए, देन यहाँ पर टोटल लिख दिया मैंने टोटल, देन नीचे आता है फार्मूला, मुझे क्या क्या प्लस करना है। मैंने कहा सर सैलरी प्लस करनी है, सर बोनस प्लस करना है, प्लस सर ओवर टाइम प्लस करना है, ठीक है, देन ऐड, देन ओके, तो आपके नई सीट आ गई तो प्रॉब्लम। अब मैं चाहता हूँ कि टोटल सैलरी का 12.5% गवर्नमेंट को देना है, क्या करना है, टैक्स निकालना है इनका, कितना 12.5% टैक्स निकालना है मुझे। तो अब टैक्स कैसे निकालेंगे, मुझे इसका निकालना है, तो आप क्या करो फिर इसके अंदर आओ कैलकुलेट फील्ड के अंदर, मुझे क्या करना है टोटल का टैक्स निकालना है, तो आप यहाँ पर लिख दो टैक्स, देन किसका
आप यहाँ पर सिर्फ फील्ड को सिलेक्ट करो, कितना निकालना है इसका 12.5%, देन ऐड, देन ओके। देखो आपका यहाँ पर आ गया डाटा, आ गया टैक्स। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है, इसका डाटा एंड में राउंड ऑफ आ रहा है, किसी के एंड में 75 पैसे हैं, किसी के एंड में कुछ पैसे हैं, तो मैं चाहता हूँ पैसे को हटाना। तो पैसे को हटाने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास एक राउंड का फार्मूला होता है। राउंड फार्मूला क्या करता है, वो डेसिमल को रिमूव करता है। मैंने बोल दिया बी फोर की वैल्यू को आप 0 डिजिट कर दो, मतलब जो उसकी एंड की डेसिमल है उसको आप रिमूव कर दो, तो आपकी डेसिमल को ये रिमूव कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बी फोर करा है मैंने जबकि मुझे एफ फोर करना चाहिए था, क्योंकि एफ फोर में टैक्स है ना, डेसिमल रिमूव हो गया। लेकिन ये मुझे फार्मूला कहाँ पर लगाना है, कैलकुलेटर में। तो आप याद रखना जो आपके एनालाइज के अंदर ये फील्ड आती है, फील्ड के अंदर भी अपना फार्मूला आप लगा सकते हो। देन यहाँ पर राउंड लगाओ, देन ब्रैकेट ओपन, और जो आपकी यहाँ पर टैक्स वाली फील्ड है उस टैक्स वाली फील्ड को सिलेक्ट करो, इंसर्ट कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, ऐड, देन ओके। तो आपकी देखो एक नई फील्ड आ गई जिसके अंदर आपकी डेसिमल रिमूव, अब आपको ये ज़रूरत नहीं है, देन आप इसके अंदर आओ और यहाँ से आप ये टैक्स को हटा दो, तो आपकी डेसिमल आ गई। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आप लोगों, किसी को कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, दिक्कत तो नहीं है, आगे चलें इसके अंदर। अब नेक्स्ट आते हैं छोटे छोटे, अब एक्स पीवट टेबल के अंदर आप ग्रुप करना सीखते हैं कि अगर हमें पीवट टेबल के अंदर ग्रुप करने तो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सीट के अंदर आता हूँ, एक और नया पीवट टेबल लगाता हूँ, मैं इंसर्ट के अंदर गया, देन या पीवट टेबल, देन अप्लाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है किस मंथ में कितनी ज्वाइनिंग हुई है, मेरे पास हायर डेट है ना, अब मुझे हायर डेट से ही निकालना है कि सर मेरे पास कितने लोग काम करने और किस किस मंथ काम करने आए। तो हम क्या करेंगे, हायर डेट को जैसे ही रो में रखेंगे तो हमारा डाटा कुछ ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर 2013 ईयर है, 2014, 2015। देन जैसे ही आप इसको ड्रैग इस पर प्लस पर क्लिक करोगे तो इसमें क्वार्टर 4 आ रहा है, इसमें क्वार्टर 1, मैं चाहता हूँ मंथ वाइज आए, तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रुप, आप ग्रुप पे जाओ। अब इसने किस में कन्वर्ट कर रखा है, आपका मंथ में, क्वार्टर में, आपका ईयर में, मुझे क्या चाहिए, खाली मंथ में चाहिए, तो आप इस पर हटा दो तो ये मंथ में आ जाएगा आपका, खाली मंथ में। आप चाहते हो मंथ भी चाहिए ईयर भी चाहिए, तो आप इस पर राइट क्लिक करो, ग्रुप के अंदर आओ, आपके पास यहाँ से आएगा ईयर, देन मंथ, तो आपका डाटा किस में आ जाएगा, मंथ और ईयर में आ जाएगा। आ गया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, देखो अब मुझे कितने लोगों ने ज्वाइनिंग करी है, तो आप नाम को उठा के इसके नीचे डाल दो, तब वो चला गया। नवंबर 2013 में 6 लोगों ने ज्वाइनिंग करी है, दिसंबर में 3 ने, जैन में 4 ने, फैब में 3 ने, और मार्च में 7 लोगों ने हमारे यहाँ ज्वाइनिंग करी। अलग अलग ईयर का डाटा आ गया। अगर मुझे इस डाटा से कैलकुलेट करना तो बहुत टाइम लगता ना, देखो पीवट टेबल की वजह से कितनी जल्दी हो गया। आगे समझ में, ग्रुप करना आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई कहता है सपोज किसी की जगह थे, मतलब कॉल सेंटर का उनका वर्क था, कॉल सेंटर में उनका डाटा आता था, तो वो चाहते थे शिफ्ट बनाना चाहते थे कि मैं रात को कितने मेंबर रखूं या मॉर्निंग में कितने नंबर रखूँ, तो वो कॉल के हिसाब से लेके काम करते थे। क्या करते थे, कॉल को देखते थे फिर काम करते। जैसे मैं एक डाटा बना लेता हूँ, डेट एंड टाइम, ठीक है, और यहाँ पर कॉल्स कर दो, देन यहाँ पर रैन बिटवीन लगाता हूँ, मैंने बोला 1 से लेके 1 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर इनका टाइम लिख दिया, रैन बिटवीन प्लस रैंड 642614 से लेके 42650 तक, देन आगे, देन माउस से इसको ड्रैग करा, तो देखो मेरे पास डाटा है, उन्होंने कब कितनी कॉल उनके पास रिसीव हुई है, कुछ डाटा उनका इस तरह का डाटा है, क्या है कि मेरी इस दिन इतनी कॉल रिसीव हुई है, इतने मिनट में इतनी कॉल रिसीव हुई है, तो उनके पास कुछ डाटा है एक महीने का, मैंने एक महीने का डाटा बनाया है, तो किसी में रात को कॉल रिसीव हुई है, किसी ने दिन में कॉल, कितने मिनट कॉल चली है,
तो उनके पास कुछ ऐसा डाटा था। अब उनको क्या करना है, इसमें पिवट टेबल लगाना है और आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है कि किस आवर्स मेरी कितनी कॉल्स आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल के अंदर आएंगे, देन अप्लाई पिवट टेबल हो गया। अब मुझे पता करना है किस दिन कितनी कॉल आई है, तो मैंने डेट को उठा के यहाँ रखा तो मेरी कुछ ऐसे आई, मैंने फिर उससे राइट क्लिक करा, ग्रुप पे गया, मैंने यहाँ से डे और मंथ को हटा दिया, मैंने क्या करा खाली डे डे करा और साथ में आवर्स ले लिया। जैसे मैंने आवर्स पे क्लिक करा तो मेरा डाटा कि 1 सितंबर को मेरी इतनी कॉल आई है, 1 कॉल 1 बजे आई है, 3 बजे, 5 बजे 4 कॉल आई है। तो मैं शिफ्ट प्लान ऐसे करता था, देखो ईजी हो गया ना, तो कंपेरिजन पर चल गई मेरी इस दिन इतनी कॉल आएंगी तो मुझे प्रोजेक्ट में इतने लोगों को हायर्स करना है कि इस टाइम ज़्यादा कॉल्स आती हैं, मॉर्निंग में ज़्यादा आती है, इवनिंग में ज़्यादा आती है, तो उसने डाटा हमें बना के दे दिया। ठीक है, तो इससे हम सेटलमेंट कर सकते हैं कि सीट को कैसे है, जो कॉल सेंटर है वाले लोग इसको ही लेके ज़्यादा काम करते हैं कि उनकी किस दिन कॉल ज़्यादा आ रही हैं या किस टाइम कॉल ज़्यादा आती हैं, तो इस चीज़ को लेके करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, पिवट टेबल में आवर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन आप ग्रुप के अंदर आओ, आपको अगर सेकंड में करना है या मिनट्स में करना है तो आप मिनट्स में भी कर सकते हो, डे आवर एंड मिनट। तो आपका देखो डाटा कैसे आएगा, कितने बजे कॉल आई है तो उसका टाइम भी बता रहा है। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम इसके अंदर, आगे चले। देन नेक्स्ट इनसे अब आता है, मुझे ये पता करना है कि भाई मेरी किस, मैं 20,000 से 30,000 तक लोग कितनी सैलरी देता हूँ लोगों को, मतलब कितने लोगों को सैलरी देता हूँ, 20 से 30 ऐसा चाहिए मुझे डाटा कि मैं 20 से 30 कितनी सैलरी देता हूँ, 30 से 40 कितने लोगों को सैलरी देता हूँ, 50 से 60 कितने लोगों को सैलरी देता हूँ, और फिर 70 से 80 कितने लोगों को सैलरी देता हूँ। तो मुझे ये चाहिए, मुझे ग्रुप करना है किसके हिसाब से, नंबर वाइज ग्रुप करना है। तो आप क्या करो, आप सैलरी को उठा के इसमें रखो, आपकी रिपोर्ट्स आ गई, देन नेम को आप इधर रखो आगे, देन आप इस पर राइट क्लिक करो, ग्रुप के अंदर आओ, तो बाय डिफॉल्ट एक आपका ऐसा ग्रुप बन के आ जाएगा, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और बीच में सीक्वेंस कितने का, टाइम का, ये अपने आप ले लेता है। अगर आपको चाहिए तो आप चेंज भी कर सकते हैं, देन ओके करो, बता दिया आपको इसने। देन फिर सर को अगर आप मेल करनी है तो एक एरिया को सिलेक्ट करो, देन एनालाइज के अंदर आओ और देन इंसर्ट चार्ट। ठीक है, आ गया आपको डेट वाइज ग्रुप करना, आ गया आपको नंबर वाइज ग्रुप, आ गया अगर आपको टैक्स वाइज ग्रुप करना है तो आपके लिए वो इजी है। वो कैसे, जैसे आपको ये दो टैक्स को कैलकुलेट करना है या इन दोनों को ग्रुप करना है, आप इस पर राइट क्लिक, दोनों को करो राइट क्लिक, देन ग्रुप कर लो, यहाँ दोनों भी आप ग्रुप कर सकते हो। नमस्ते, आगे समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, आगे चलें। दीपक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बता दो, मैं रिवीजन करने के लिए कोई दिखा है टैक्स वाला, मैं एक नया पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल, देन अप्लाई हो गया। अब मुझे टैक्स करना, अब क्या करना है, जैसे मेरे पास ये डिपार्टमेंट है, सर ने बताया कि भाई ये दोनों डिपार्टमेंट मेरे एक ही हैं, मेरा आईटी और सेल्स वाले दोनों एक ही, मैं चाहता हूँ दोनों को ग्रुप, तो इसको सिलेक्ट करा, देन राइट क्लिक, इसको आप यहाँ से ग्रुप कर दो, तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों आईटी और सेल्स एक ग्रुप में आ गए, आगे एक ग्रुप में। देन आप यहाँ से प्लस एंड माइनस का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको देखो ग्रुप आ गया, ग्रुप का एक नाम रखना है तो आप F2 करके ओपन करो, देन यहाँ से आपको जो नाम रखना है वो रख लेना। ग्रुप हो गया, देन देखिए आगे ग्रुप में आ गया, कोई दिक्कत, आपको नंबर ग्रुप करना आ गया, आपको टैक्स ग्रुप करना आ गया और आपको डेट ग्रुप करना आ गया, समझ में आ गया, आपको कैलकुलेट करना आ गया, आ गया। आगे चलें इसके अंदर, आप पीवी टेबल में बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलते हैं, जैसे एनालाइज में ये शो क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं एक नया पीवी टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, मैं रिवीजन करने के लिए मना नहीं है, मैं एक बार नहीं दो बार बता दूंगा, लेकिन आप पता करते चलो साथ साथ, जो चीज़ें में आपको डाउट लग रहे हैं। मैं यहाँ पर इंसर्ट करा एक पीवी टेबल, देन ओके पिवट टेबल लग के, आप देखोगे जब पिवट टेबल लग के आता है तो सेम यही स्टाइल होता है, आप चाहते हो कि मैं स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपके अलग अलग स्टाइल हैं, जैसा आपको स्टाइल पसंद हो उस स्टाइल में आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो अपने अपने स्टाइल हैं, जो आपको समझ आए वो स्टाइल आप ले सकते हो।
ठीक है, कोई दिक्कत? आपको ये फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा, आप ये फॉर्मेट ले लो, आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, तो आपके चार पांच फॉर्मेट अलग अलग तरीके के हैं, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? देन यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी शो हो रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी फील्ड आ जाती है, मैं इस पर से हटाता हूँ फील्ड चली जाती है। मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तब ये फील्ड ना आए, तो आप शो के अंदर आओ, यहाँ पर आते हैं फील्ड लिस्ट, इस पर से हटा दो, आप इस पर क्लिक भी करोगे तो भी आपकी फील्ड लिस्ट नहीं आएगी। आगे समझ में? आपको लानी है तो शो के अंदर आएंगे, फील्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा भी शो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों किसी को? अब देखोगे एक चीज़ होती क्या है कि बटन्स आते हैं, जैसे मैंने, आप इसमें डाटा में ध्यान से देखोगे या जो हमने लास्ट पिवट टेबल लगाया तो इसमें बटन्स आते हैं, आप चाहते हैं बटन्स ना लाना तो आप इस पर क्लिक करो, यहाँ से बटन्स पर प्लस माइनस का सिंबल होता है, आप यहाँ से हटा दो तो आपके बटन्स भी जाएंगे। आप ऊपर देखो हेडिंग्स लिख के आ रही है, रो लेवल आप चाहते हो कि हेडिंग्स भी ना आए तो आप इस पर आओ, रो फील्ड हेडिंग आ रही, आप इस पर तो फील्ड हेडिंग भी नहीं आ रही। ठीक है, तीनों शो की सारी चीज़ें समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम है शो की चीज़ों में? ठीक है, अब रिकमेंडेड पीवट टेबल तो मैंने आपको बता ही चुका था, जब आप पीवट टेबल लगाते तो पहले टॉपिक ही आता ना रिकमेंडेड पीवट टेबल की, आप पीवट को कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, बताया था ना मैंने आपको, सेम वही था, आ गया पीवट चार्ट मैंने आपको बता चुका हूँ, कैलकुलेशन के लिए मैं फील्ड बता ही चुका हूँ, लेकिन हमारा कैलकुलेटर में रह गया कौन, एक आइटम कैलकुलेटर और एक सॉल्व ऑर्डर। अब देखते हैं कैलकुलेटर आइटम क्या होती है, जैसे अभी हमने दीपक ग्रुप करा था ना, सेम वही होता है, लेकिन ये टैक्स पे काम करता है। जैसे मैं दो ग्रुपों को एक ग्रुप करना चाहता हूँ, नया पीवट वाले हुआ था शीट नंबर वन, इंसर्ट पीवट टेबल देन अप्लाई देन ओके, तो आपका ये पीवट टेबल आ गया। अब मेरे पास ये डिपार्टमेंट है और इनकी सैलरीज है, सर ने बताया आईटी और सेल्स दो एक ही डिपार्टमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं, फिर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, देन जब क्लिक कर रहे थे, नहीं तो आप क्या करो, आप इसके अंदर आओ, हमारे पास आता है कैलकुलेटेड आइटम, लेकिन अभी अनेबल नहीं हो रही, क्यों नहीं अनेबल हो रही, जब तक आपका कल्सर यहाँ पर नहीं होगा, आपकी रो लेवल पर नहीं होगा तब तक ये आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, आ गया देन अप्लाई देन ओके, ये कह रहा कि ऑलरेडी ये ग्रुप्ड है, आप एक नया पिवट टेबल लगाना पड़ेगा, जब एक बार ग्रुप हो जाता है ना तो उसको अनग्रुप करना पड़ता है, जैसे कंट्रोल सी करा देन मैंने नई सीट इंसर्ट करी एंड कंट्रोल वी कर दी, बुक नंबर फोर है, मैं क्या करता हूँ सारी जो सीट ओपन है इनको क्लोज कर देता हूँ, शीट नंबर फोर को सेव रखता हूँ, शीट नंबर वन को भी क्लोज करता हूँ, अब आपके शीट नंबर एक ही अनेबल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ देन इंसर्ट में जाके पीवट टेबल को अप्लाई करता हूँ देन ओके। ठीक है, प्रॉब्लम यही आ रही है, दो हजार 2013 2016 में आया, ठीक है। अब चलें आगे, जैसे मैंने दो डिपार्टमेंट को रखा है, मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट या सिटी, एक सिटी को उठाया और नीचे इसमें डाल दिया, मैंने बोला पुणे कानपुर और पटना मेरी एक सिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सैलरी रखी यहाँ से उठा के देन एनालाइज के अंदर आके फील्ड के अंदर आके कैलकुलेट फील्ड, मैंने यहाँ पर आ गया, मुझे क्या रखना है इनका नाम, मैंने लिख दिया वन, देन यहाँ पर मैंने बोला आपका कौन कौन से थे, मेरा सिटी में पुणे प्लस कानपुर प्लस आपका पटना, आ गया देन ऐड करेंगे और देन ओके,
अब आपका एक ग्रुप आ गया वन के नाम से। लेकिन मैं ध्यान से देखोगे तो इसमें पुणे भी सिलेक्ट हो रहा है, पटना भी आ रहा है आपका, कानपुर भी आ रहा है। आप चाहते हो कि इसको हटाना, आप इस ड्रॉप बॉक्स पे आओ, देन पुणे को हटा दो, कानपुर को हटा दो, आप पटना को हटा दो। ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ग्रुप करना आ गया, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? बाकी अब इस पर क्लिक करोगे तो एक लिस्ट बना देगा, जो जो आपने फार्मूला अप्लाई करें वो यहाँ से फार्मूला दिखा देगा, आपने क्या क्या फार्मूला इसके अंदर अभी तक लगाए। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? देन नीचे वाला क्या करता है, इसके नीचे वाला क्या करता है, एक नई शीट इंसर्ट करता है, जो भी अब तक अपने फार्मूला लगाए वो नई शीट पर इंसर्ट करके आपको दिखा देता है, एक नोटबुक बन के आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालाइज के अंदर फील्ड, लिस्ट ये खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है एक्शन, एक्शन में देख लो सबसे पहले आता है क्लियर। अब जैसे सपोज आपके कई सारे पिवट टेबल, यहाँ पर अपने रो इंसर्ट कर, आप चाहते हो कि इन रो को हटाना, आप चाहते हो इन सबको हटाना। अब अगर आप मैनुअली हटाओगे तो कैसे हटाओगे? आप यहाँ आओगे, इस डाटा को ऐसे ले जाओगे, फिर आप इसको ऐसे ले जाओगे, फिर आपको ऐसे ले जाओगे। आप यहाँ पर आओ, यहाँ से आप क्लियर कर दो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है सिलेक्ट, मैं इस पर क्लिक करूँगा। सिलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक्सेल में तो उसका कुछ खास यूज़ नहीं, लेकिन वीवीए लैंग्वेज में अगर आपको पिवट टेबल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर एंटायर सीट पिवट टेबल को लेके चलना है। जैसे मुझे अब इसको एरिया को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर आओ, पिवट टेबल ऑप्शन में सिलेक्ट के अंदर मैंने बोला लेवल एंड वैल्यू, तो खाली लेवल को सिलेक्ट करेगा और साथ में उसकी वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, वैल्यू सिलेक्ट होगी, देन आपके लेवल के होगे तो आपके लेवल सिलेक्ट होंगे, लेकिन आपको पहले एक डाटा को शायद सिलेक्ट करके रखना है। डाटा को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन के अंदर आएंगे, सिलेक्ट, चलो मैं कल देख के बता दूँ, वर्क नहीं कर रहा। बस एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप कोई एरिया सिलेक्ट करते हो तो देखो आपके एरो का निशान, आप उस पर क्लिक कर दो आपका पूरी रो क्लिक हो जाती है, जैसे ऐसे बोनस ओवर टाइम, ठीक है, सिक्स डेज ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे मुझे आप दिल्ली पे क्लिक करें, जैसे मैं दिल्ली पे क्लिक करता हूँ तो आपका ऐसा हो जाता है, मैं कोलकाता पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऐसा हो जाता है, मैं पुणे पे पंजाब पे करता हूँ तो मेरा पंजाब पे ऐसा हो जाता है। आप चाहते हो कि एरो को निशान ना आए तो आप एनालाइज के अंदर आओ, देन एक्शन के अंदर, यहाँ से आप नीचे आता है अनेबल सिलेक्शन, इस पर से आप टिक हटा दो तो आपका एक ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब लास्ट आता है मूव एंड, जैसे मुझे इस पिवट टेबल को A3 से स्टार्ट नहीं करना था, मुझे A70 से स्टार्ट करना था, देन पिवट टेबल पे आप क्लिक करो और यहाँ पर कहाँ ले जाना है उस वैल्यू को सिलेक्ट करो, एंड देन ओके, देन अप्लाई, तो आपका पिवट टेबल आ जाएगा। एक चीज़ लास्ट बता रहा हूँ आज का टॉपिक, इसको फिनिश करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पिवट टेबल में क्या होता है, जैसे अभी आपको पता है कि पिवट टेबल में हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसको रिफ्रेश करके ठीक कर लेते हैं, इतना बताया था मैंने, आप लोग कर लोगे। लेकिन अगर मेरा डाटा नीचे इंक्रीज होता है, अगर ये 101 पे आता है, मैंने इसको 101 करा, कंट्रोल आर, अब मैं इसको ये डाटा नीचे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर डाटा करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये डाटा यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब मैंने सिलेक्शन करा था मेरा डाटा कहाँ तक था, मेरा डाटा 100 तक था, 1 यहाँ तक था ना, लेकिन ये तो बाद में आया, तो ये रिफ्रेश करने पे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिवट टेबल ऑप्शन के अंदर आना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा चेंज डाटा सोर्स क्लिक। अभी आपका डाटा कितना है, 101 तक है, अब इसको आपको कितना ले जाना पड़ेगा, 102 तक, देन आपका फिर आएगा। आप चाहते हो कि आ गया, देन राइट क्लिक, एक बार रिफ्रेश कर दो, ठीक है, शायद ये नंबर को नहीं काउंट कर रहा, ठीक है। दूसरा तरीका, आप चाहते हो कि सोल्यूशन से बचना है आपको, आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, तो आप इस डाटा को किस में कन्वर्ट कर दिया करो, आप पिवट टेबल के अंदर, टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दो। टेबल्स क्या करता है, टेबल्स क्या करता है, जैसे आप यहाँ वैल्यू डालोगे अपने आप टेबल को इंक्रीज कर लेते, जैसे मैंने यहाँ पर 1-2 लिखा, टेबल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, मैं 1-3 लिखूंगा, टेबल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, पिवट टेबल फिर सिलेक्शन को रीड नहीं करता, किसको रीड करता है, वो पिवट टेबल को रीड करता है, सॉरी टेबल को रीड करता है। जब पिवट टेबल लगाते तो पहले क्या करता है, एरिया को सिलेक्ट करता है ना, फिर वो एरिया को सिलेक्ट नहीं करेगा, वो पिवट टेबल 1 के नाम से ही काम करेगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है इसके अंदर, देन मैं इसको वीडियो को स्टॉप करना, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो।